Welcome to my channel, Once Upon a Time with Malvika. You are in my library, and this is the place that I call home. And this is where I narrate stories. So come, grab a pillow and a blanket, ensconce on a chair, nestle that hot chocolate or coffee in your hands, and let's hear a story. पुष्पा पंत ने अपनी चीनी गुड़िया के से छोटे चेहरे को हाथ के बुने रंगीन पहाड़ी ऊन के स्कार्फ से कसकर बांधा और फिर यत्न से कोहरे से धुंधले पड़े गए दर्पण के सम्मुख खड़ी होकर अपनी वही एक एक नीरस क्रिया दोहराती चली गई जो स्कूल जाने से पूर्व पिछले 8 वर्षों से दोहराती चली आई थी। पहले उसने अपने खद्दर की साड़ी को कुछ ऊँची कर बांधा, फिर पूरी बांह का आकारहीन बदसूरत पहाड़ी ऊन का कार्डिगन पहना जिसकी उदार बाहों ने देखते ही देखते किसी लोलुप अजदहे की भांति उसकी मृणाल दंड सी बाहों को निगल लिया। लगता था बिना किसी काट छाट के जानबूझकर ही इस तापसी ने अपने लिए इस पहाड़ी मेमने से बसाते ऊन का यह थैला बुन लिया है। तिपाई पर बैठकर उसने फिर अपने हौजनुमा मोजे पहने और क्रिप्सॉल के जूतों के फीते बांधे। द्वार पर खिमुली स्कूल का रजिस्टर थामे खड़ी थी। उसके हाथ से रजिस्टर लेकर वो घड़ी का फीता बांधती हुई बोली, हो सकता है आज मुझे लौटने में कुछ देर हो जाए, तुम चाय पी लेना खिमुली। इधर कुछ दिनों से वह नित्य ही ऐसा आदेश देकर जाने लगी थी। तेज कदमों से वह चली जा रही थी और पीछे पीछे उसका तिब्बती झबरा कुत्ता उसी तेजी से भाग जा रहा था। बीच बीच में वह बौनी कटीली पहाड़ी झाड़ियों को सूंघता, किसी कला मर्मज्ञ की अनुभवी दृष्टि से सुंदर जंगली फूलों से गदराई झाड़ी को परख अपनी नन्ही टांग उठाकर प्रशंसाधैर्य निवेदन करने लगता। तभी उसकी बहुत आगे निकल गई स्वामिनी अधैर्य से हाँक लगाती, झप्पू झप्पू झबरिया। उसी मिश्री घुले कंठ स्वर का आदेश पा वह अपनी महत्वपूर्ण योजना अधूरी ही छोड़ बड़ी तेजी से दौड़ लगाता। भागने लगता तो दूर से देखने पर किसी को एक विलायती काले ऊन के गोल मटोर लुढ़कते गोले का धोखा हो सकता था। नॉटी नॉटी डॉगी, पुष्पा उसे बड़े लाड़ से हंसकर डांटती और फिर दोनों फौजी कदम साधते एक साथ चलने लगते। उस मानवी और पशु के कदमों के उस आश्चर्यजनक संतुलन में पिछले 10 वर्षों का नियमित अभ्यास रिस गया था। जॉलजिकी के मेले से एक तिब्बती लामा से पुष्पा उसे 40 रुपए में खरीद कर लाई थी। कुत्ता क्या था, असली रेशम का चिकना गोला था। लंबे लंबे कान जमीन चूमते थे और चपटे पैरों की 3 इंची लंबाई उसके पेट और धरा के अंतर को बाल बाल बचाती, ठुमकाती लिए चली जाती तो लगता ये किसी अदृश्य जल राशि पर तैरता चला जा रहा है। वह हेडमास्टर ने पुष्पा पंत के साथ ही बैठकर अपनी तामचीनी की प्लेट में खाना खाता, उसी के साथ सोता और छाया की भांति उसके पीछे पीछे घूमता। पुष्पा पंत की सर्विस का ये 8वां वर्ष था और इन 8 वर्षों में वह केवल 2 बार पहाड़ का उतार उतरी थी। एक बार अपने इंटरव्यू के लिए इलाहाबाद गई थी, दूसरी बार गृह विज्ञान की परीक्षा लेने मुरादाबाद। दोनों बार वह झबरे को अपने प्रतिवेशी परिवार को सौंप गई थी। हेडमास्टरनी का लाडला झबरा हाथों ही हाथों में नचाया गया, पर स्वामिनी के अनुपस्थिति में दोनों ही बार उसने यत्न से परोसे गए दूध भात को सूंघा भी नहीं। शायद दोनों के जन्म चंद्र को एक ही से राहु ने ग्रसा था, इसी से दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। झबरे का पितृकुल तो श्वान कुल की परंपरा अनुसार अज्ञात था, किंतु उसकी असली तिब्बती पोमेरियन नस्ल की सुंदरी माँ को काल ढूंगी का नरभक्षी क्रूर गुलदार खींच ले गया था, ऐसा ही उसे लामा ने बतलाया था। यही नहीं, शिकार खेलने गए तराई कैंप में उतरे किसी अवकाश प्राप्त अंग्रेज लाट साहब ने उसे गोली से मारा तो झबरे की जननी की रेशमी पूंछ भी उस हत्यारे के पेट से बरामद हुई थी।
किंतु पुष्पा की माँ को जिस क्रूर नरभक्षी के आतंक ने ही सहमाकर असमय काल कवलित कर दिया था, उसे आज तक किसी भी साहब की गोली ठंडा नहीं कर सकी थी। प्रभुता, वैभव और ख्याति के मद में चूर व नरभक्षी आज पूरे 14 वर्ष पश्चात फिर बड़े दुस्साहस से उस ग्राम में लौट रहा था। एक पल को उस बीहड़ पगडंडी में चलती चलती पुष्पा पंत ठिठक कर खड़ी हो गई। विधाता की यह कैसी विचित्र ठिठोली थी उसके साथ। स्वयं उसे गढ़ने वाला वह सर्वदर्शी पुष्पा के हास्यशून्य चित्त की रिक्तता को आज तक नहीं भांप पाया। जानबूझकर ही वह निर्लज्ज क्या इतनी दूर एक नगण्य कन्या पाठशाला की छात्राओं से हाथ मिलाने चला आ रहा था। निश्चय ही वो अब तक जान चुका होगा कि उस स्कूल के प्रधान अध्यापिका कौन है। इन्हीं गंभीर मानसिक उलझनों में उलझी पुष्पा पंत विवश होकर एक टिले पर बैठ गई। दोनों हाथों से उसने कनपटी जोर से दबा ली। स्वामिनी की एक एक उलझन जैसे झबरे ने सूंघ ली थी। उचक कर वह अपनी रेशमी पूंछ पटपटाता पुष्पा की गोद में बैठ उसका चिबुक चाटने लगा। उस निर्जन वन में मूक पशु की संवेदना पाकर पुष्पा एकदम ही टूट गई। होठ काटने पर भी इस बार वह अपनी सिसकियों को रोक नहीं पाई। झबरे को छाती से लगाकर वह बड़ी देर तक सिसकती रही। फिर उसने अश्रुसिक्त पलके पोंछकर हाथ की घड़ी देखी। 10:15 बज चुके थे। ठीक 10:15 पर उसे अपने छात्राओं के अर्थ चंद्राकार घेरे में खड़ी होकर प्रार्थना की प्रथम पंक्ति स्वयं गानी होती थी। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। इन्हीं पंक्तियों को वास्तविक अर्थ में गाती पीती घुटकती पुष्पा पंत की आनंदमय सदाचारिणी आत्मा क्या कभी उस प्रार्थना सभा की सार्थक महत्व को भूल सकती थी। उसने झबरे को गोद से नीचे उतारा, अपनी मर्दानी रुमाल से नाक सिनकी, आंसू पोछे, फिर पास ही के पहाड़ से निकलती निर्झरणी में रुमाल भिगोकर लाल पड़ गई आंखों की संदेहास्पद लालिमा को रगड़ रगड़ कर बहाया और तेजी से डंडी पर भागने लगी। स्कूल पहुंचते ही वो नित्य के परिचित निर्दोष स्वस्थ सुंदर चेहरों की भीड़ में घुल मिलकर रात भर की वेदना भूल बिसरा कर रह गई। दीदी नमस्ते, कोने कोने से उछल रहे हार्दिक अभिवादन के अदृश्य गुलदस्ते वह हंस हंस कर थामने लगी। चीड़ के लंबे वृक्ष के नीचे वो खड़ी हुई और देखते ही देखते यंत्र चलित पुतलियों सी ही उसकी छात्राएं अध्यापिकाएं उसे घेर कर खड़ी हो गईं। पैरों के पास झबड़ा खड़ा था। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। पुष्पा पंत के मीठे कंठ से निकले प्रार्थना की सस्वर प्रथम पंक्ति को विभिन्न बचकाने अधेड़ कंठ स्वरों की सम्मिलित धुरी गूंज पल भर में मीट कर रख देती। पुष्पा पंत का कंठ स्वर अद्भुत रूप से मीठा और मांसल था। ऐसा कंठ जो कभी किसी माइक की अस्वाभाविक गूंज की बैसाखियां नहीं मांगता। गाने बैठती तो शायद विधाता स्वयं ही उसके सम्मुख अपनी दिव्य माइक चुपचाप आकर धर जाता। प्रार्थना समाप्त कर पुष्पा अपने कमरे में चली गई। चौकीदार आकर सामने का प्रशस्त द्वार सा वातायन खोल गया और ताजी पहाड़ी हवा के झोंकों से उसके बदसूरत स्कार्फ में बंधी एक काली घुंघरारी रेशमी लट किसी अनुशासन प्रिय कठोर पिता की उंगली छुड़ाकर भाग आए अबोध बालक की ही भांति उसके शुभ्र ललाट पर खेलने लगी। शायद तेजी से चलने के कारण ही उस ठंड में भी पसीने से वह भीग उठी थी। उसने स्कार्फ को यत्न से खोलकर ऐसे तहाया जैसे बहुमूल्य किमखाब का टुकड़ा हो। फिर कार्डिगन खोल उसने मेज पर धरा और फाइल लेकर बैठ गई। स्वच्छ हवादार कमरे की झकझक करती दीवारों पर मुक्ताक्षरों से सज्जित कागजी पट्टियों पर एक से एक अनमोल मोती बिखरे थे। ईश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है, लज्जा ही नारी का आभूषण है, कन्याओं मित भाषण का आंजन आंजो आदि आदि। अपनी छात्राओं को पहाड़ी निंगाल की कटकटी कलम से वह स्वयं हाथ धर धर कर लिखना सिखाती थी।
इसी से उसके स्कूल की प्रत्येक छात्रा की उंगलियां कागजों पर मोती बिखेरती थी। उन्हीं के मुक्ताक्षरों ने पिछली बार अपनी बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान आकस्मिक वेगवती वर्षा के कारण उस ग्राम के अतिथि बने राज्यपाल को भी मुग्ध कर दिया था। माननीय अतिथि के सम्मान में उस विलक्षण प्रधान अध्यापिका ने जिलाधीश के कुछ ही क्षणों के दिए हुए आदेश का पालन कर सुंदर कार्यक्रम ही प्रस्तुत नहीं किया, एक मानपत्र भी भेंट किया था। जैसी लच्छेदार भाषा वैसे ही मेल खाते मोतिया अक्षर। महामहिम, ये हमारा परम सौभाग्य है जो आज हमारे इस दीनहीन ग्राम की धूल पर आप जैसे देवतुल्य परम पुरुष के चरणों की धूल पड़ी है, आदि आदि। स्वयं राजपाल ने उस मानपत्र की प्रशंसा की थी और चलते चलते स्कूल की छात्राओं की पुस्तकों के लिए 500 का चेक भी पुष्पा को थमा गए थे। उसी उदार राशि से पुष्पा ने ठंड से ठिठुरती अपनी उन छात्राओं के लिए एक साथ कई जोड़ी जूते खरीद लिए थे जो बर्फ को रौंदती, पहाड़ी पाले से जूझती, नंगे पैर चार चार मील की दूरी लांघती पढ़ने आया करती थी। उन दरिद्र पर्वत पुत्रियों के लिए पाठ्य पुस्तकों से कहीं अधिक महत्व उन जूतों का था। किताबें तो समृद्ध सहपाठिनी से भी मांगी जा सकती थीं, किंतु कितनी ही मर्मांतक यंत्रणा क्यों न झेलें, बिवाई फटे पैरों की व्यथा मिटाने क्या कोई भी आत्मसम्मानी पहाड़ी लड़की अपनी किसी भाग्यशालिनी सखी से जूतों की याचना कर सकती थी। चौकीदार ने ब्रांच के सूखे फूलों के बीच गोबर के गोलों से दहकती अंगीठी लाकर उसके पैरों के पास रख दी, फिर जेब से एक बादामी सरकारी लिफाफा निकालकर उसकी मेज पर धर दिया। कलेक्टर साहब का चपरासी दे गया है हुजूर, उसने कहा। ठीक है, यहीं रख दो। बिना उसकी ओर देखे पुष्पा अपना रजिस्टर भरती रही। चौकीदार के जाते ही उसने धीरे से लिफाफा उठाया और बड़ी देर तक बिना खोले बैठी रही। वह जानती थी कि उसमें उसके लिए कैसी कठिन अग्नि परीक्षा के आयोजन की भूमिका भरकर भेजी गई थी।